नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बड़ी खबर है। कामयाब छात्रों को झारखंड सरकार ने मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए एकमुश्त 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा उपचुनाव से 2 दिन पहले राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने को लेकर बड़ी साजिश रची जा रही है। उन्होंने केंद्रीय बल की निगरानी में चुनाव कराने की मांग की है। चुनावी कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी दशकों तक भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाएगी। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गोवा यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने ये बातें कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा लंबे समय तक भारतीय राजनीति में एक ताकत बनी रहेगी और कांग्रेस को अगले कई दशकों तक भाजपा से लड़ना होगा। जनता दल यूनाइटेड से पूर्व एमएलसी रहे अनुज कुमार ने गुरुवार को लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद का हाथ थाम लिया है। औरंगाबाद के अजर कबे हसौली में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मौजूदगी में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुई घटनाओं से संबंधित मामलों की नवीनतम स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है। घटनाएं संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। मुंबई क्रूज मामले में आज आखिरकार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि आर्यन खान और अन्य आरोपी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी, जिसके बाद आज हुई सुनवाई में उन्हें राहत मिली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर अपने परिवार को मजबूत करने का आरोप लगाया है तथा कांग्रेस को पेंशन पर बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के नेताओं के साथ दक्षिण चीन सागर, अफगानिस्तान, कोविड 19 संपर्क सहित साझा हितों से जुड़े क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बृहस्पतिवार को सार्थक चर्चा की और दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा बनाए रखने और इसे प्रोत्साहित करने के महत्व को रेखांकित किया है। दिवाली और छठ पूजा में घर जाना है तो चिंता मत कीजिए। त्योहारी सीजन में भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। भारतीय रेलवे दिवाली और छठ पूजा 2021 के अवसर पर 110 विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा कर चुकी है। 110 स्पेशल ट्रेन त्योहार सीजन के दौरान 668 ट्रिप लगाएगी। पूर्व सीएजी विनोद रॉय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता संजय निरुपम की तरफ से दायर मानहानि मामले में उनसे माफी मांग ली है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। संजय निरुपम ने कहा है कि आखिरकार पूर्व सीएजी विनोद रॉय ने एमएम कोर्ट पटियाला हाउस नई दिल्ली में आज मेरे द्वारा दायर मानहानि के मामले में मुझसे बिना शर्त माफी मांगी है। पूर्वी लद्दाख सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच अब तक 13 दौरे की बातचीत हो चुकी है। दोनों ने सीमा विवाद को तेजी से सुलझाने के लिए सहमति जताई है, लेकिन चीन ने पिछली बातचीत में हुए मौखिक समझौते को दरकिनार करते हुए उसने तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई आरंभ कर दी है। भारत में एक और बुलेट ट्रेन जल्द चलने वाली है। यह अयोध्या और दिल्ली के बीच बुलेट ट्रेन रफ्तार भरेगी। यह ट्रेन अयोध्या और दिल्ली के बीच की दूरी 3 घंटे में तय कर लेगी। अयोध्या और दिल्ली के बीच की करीब 670 किलोमीटर दूरी है, जिसका अभी तय करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं, लेकिन सरकार की नई योजना से अयोध्या सीधे राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएगी। परिवर्तन यात्रा लेकर अमरोह पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी संगठन गठबंधन का राग अलापा है। शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव हर पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, फिर हमसे क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश प्रसपा से गठबंधन नहीं करते हैं तो फिर नेताजी उनकी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। इतना ही नहीं, शिवपाल ने इशारों में कहा कि अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होता है तो उनकी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है। राजस्थान के 2 पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अवनी लेखारा कृष्णा नागर के नाम की सिफारिश खेलों के लिए सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए की गई है। दोनों ने हाल ही में आयोजित टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अवनी ने निशानेबाजी में 2 पदक जीते, जबकि नागर ने बैडमिंटन SH6 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पटाखों पर उसके द्वारा रोक लगाना किसी समुदाय या किसी समूह विशेष के धारणा के खिलाफ नहीं है। इस धारणा को दूर करते हुए कोर्ट ने कहा है कि आनंद की आड़ में वो नागरिक के अधिकारों के उल्लंघन की इजाजत नहीं दे सकता है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस की जांच के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकार उन पर व्यक्तिगत निशाना साध रही है, अगर कोई जांच नहीं होती है तो उन्हें सीबीआई उसकी जांच करे। इस याचिका के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े को राहत मिली है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वानखेड़े की गिरफ्तारी से 3 दिन पहले उन्हें नोटिस देना होगा ही। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग के आदेश को निलंबित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिका में हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से दलित बंधु योजना के कार्यान्वयन को स्थगित करने वाले की मांग की गई थी। सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण में अचानक उछाल के मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। शहर में कोविड 19 के 5,324 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एहतियातन नियमों का पालन करने की अपील की गई है। पेटीएम ब्रांड के तहत काम करने वाली डिजिटल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने बृहस्पतिवार को कहा कि पेटीएम का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आवेदन के लिए 8 नवंबर को खुलेगा। इसके लिए कीमत दायर 2,080 से 2,150 रुपए तय की गई है। इसका मतलब है कि कंपनी का मूल्यांकन 1.44 लाख करोड़ रुपए से 1.48 लाख करोड़ रुपए के बीच होगा। कोरोना रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण आदेश दिया है। केंद्र ने अलर्ट किया है कि त्यौहार के मद्देनजर सभी राज्यों को सतर्कता बरतने और कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन के दौरे पर पंजाब आ रहे हैं। उनके दौरे की वजह से सियासी गलियारे में तरह तरह के कयास लगाने शुरू हो गए हैं। वो यहाँ क्या करेंगे और क्या कहेंगे, ये बहुत से लोग जानना चाहते हैं। केजरीवाल के दौरे के बारे में आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी और विधायक राघव चड्ढा ने जानकारी पत्रकारों को दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने गुरुवार को कहा है कि वो इस बात से बेहद दुखी हैं कि कई लोगों ने पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति का हिस्सा बनने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात को दर्शाता है कि यहाँ लोग महात्मा गांधी के इस कथन से कितनी दूर हो चुके हैं कि भारतीय नागरिकों को अपने शासकों से डरना नहीं चाहिए। आर्यन खान केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक के लगातार निशाने सामने आ रहे हैं और इसका सामना कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार वाले भी अब बचाव में उतर आए हैं। समीर की बहन के बाद अब पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने सीएम को लिखे खुले पत्र में आरोप लगाया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसा नहीं होता। यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विस मेंस एग्जाम के लिए हॉल टिकट जारी कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग ने 21 नवंबर 2021 को आयोजित होने वाले ईएसई मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड upsc.gov.in पर जारी किया है। गृह मंत्रालय ने महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देशभर में कोविड प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। त्योहारी मौसम में कोरोना के बढ़ते संभावनाओं को देखते हुए विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही एक बार फिर बड़े खतरे को न्योता दे सकती है। पंजाब सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। ओम प्रकाश सोनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पालन करते हुए पंजाब सरकार कोविड 19 से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए देगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में डेंगू के मरीज को मना नहीं किया जा रहा है, सबके लिए इंतजाम है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर जो भी डेंगू के पेशेंट है, आप दिल्ली सरकार के अस्पताल में भेज दीजिए, वहां एडमिशन मिल जाएगा। देश के 6 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना में पहुंच गए। इस नए वेरिएंट की वजह से कोविड की तीसरी लहर की आहट की आशंका जताई जाने लगी है। हालांकि 16,000 रोजाना के आसपास पहुंचे मामले को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अभी कोविड को लेकर पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 16,156 नए मामले सामने आए हैं और 733 लोगों की जान गई है। रिकवरी रेट 98.20% पर है, जो कि मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो यह 34,02,31,809 हो गई है। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,60,989 है, जो कि 243 दिनों में सबसे कम है। भारतीय जनता पार्टी ने लालू प्रसाद यादव के चुनावी मैदान में उतरने को लेकर बड़ा दावा किया है। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि लालू के उपचुनाव में प्रचार करने से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत पहले से अधिक मतों से होगी।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गुरु गोविंद कुमार, सुगिबल, जलपरी, लवली गर्ल, नुनू कुमार, नीतीश कुमार, कृष्ण दुबे, प्रवीण कुमार, संगीता कुमार, जितेंद्र ठाकुर, सौरभ कुमार, मिथिलेश कुमार, पप्पू कुमार, मदन कुमार, शकीला खातून, धर्मेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कई राज्यों में दोबारा से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए क्या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रोक लगा देनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।